इस नए कॉन्सेप्ट की हमने मदद देनी है अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या uh, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थेरी किस तरह पॉस्टलेट या क्या एक्सप्लेन करती है वी कैन रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ दिस थेरी द कॉस्ट ऑफ अ कॉमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ अ सेकेंड कॉमोडिटी दैट मस्ट बी फोर मस्ट बी गिवन अप और फोर यू कैन सिंपली से दैट टू रिलीज जस्ट इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट कॉमोडिटी इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाता भी हूँ और प्रूव भी करता हूँ कि वाई दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेटर दैन दैट जो आपकी लेबर थेरी वैल्यू की थी क्योंकि वहाँ पर यह भी ज्यूम किया जा रहा था क्योंकि लेबर आपके पास सिंगल फैक्ट्रो प्रोडक्शन है और इस पर्टुलर थेरी के थ्रू जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वी आर नॉट इज्यूमिंग दैट है ने बेसिकली एक्ज्यूम नहीं किया था कि लेबर आपके पास जस्ट सिंगल फैक्टर प्रोडक्शन है या एक ही फैक्टर प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रहा है और उसने एक सिंपली आइडिया दिया अ नेशन मस्ट स्पेसलाइज इन दैट कॉमोडिटी इन विच द ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज लेस अब अपरचुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को इस टेबल के थ्रू जो हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया हुआ है उसी के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक टू कमोडिटीज़ टू नेशन टू नेशंस यूएसए एंड यूके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएसए का केस अगर हम स्टडी करते हैं तो यूएसए अगर व्हीट प्रोड्यूस करती है सारी की सारी या एक यूनिट अगर व्हीट प्रोड्यूस करता है तो उसको क्लोथ के कितने यूनिट फॉर करने पड़ेंगे दिस कैन बी सिंपली कॉल्ड एज ऑपॉरचुनिटी कॉस्ट सपोज सिक्स वीट वन आवर के अंदर प्रोडक्शन है और फोर क्लोथ की अंदर प्रोडक्शन है तो अगर मैं ये लिख दूर इज इक्वल टू फोर क्लॉथ तो क्या किया जा सकता है आप वीट को यहीं पर रहने दें और सिक्स को उधर जाके उसके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में ले आए फोर ओवर सिक्स सी टू टू द फोर टू थ्री द सिक्स वी कैन से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वन वीट इज इक्वल टू टू ओवर थ्री यूनिट ऑफ क्लोथ दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन सिंपलेस्ट सेंस कि आपके पास इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ वीट हाउ मच यूनिट ऑफ क्लोथ यू मस्ट हैव टू गिव अप टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ वीट हमने यही इस्टेब्लिश किया कि यूएस को वीट के अंदर स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने यह बात की थी कि आपके पास जो ओवरऑल एडवांटेज uh, तो है यू एस के पास दोनों कॉमोडिटीज के लिए लेकिन ज़्यादा एडवाटेज वीट के अंदर उसको मिल रहा था फॉर देट यू एस मस्ट प्रोड्यूस मोर वीट एंड आपके पास ज़्यादा रिसोर्स को उठा के उसको वीट में लगाने चाहिए रिसोर्सेज जब उसने लगाने हैं तो ऑलरेडी वीट जो प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है लेकिन आपके पास क्लोथ की प्रोडक्शन भी हो रही है तो क्लोथ की प्रोडक्शन से कुछ रिसोर्सेज जस्ट इनफ रिसोर्सेज जो हम बात कर रहे थे वन एडिशनल यूनिट ऑफ द फर्स्ट कॉमोडिटी यहाँ पे फर्स्ट कॉमोडिटी वीट है तो यूएसए को क्या करना पड़ेगा रिलीज करने पड़ेंगे रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज जो हमने पहले बात की है जस्ट इनफ रिसोर्स के जो क्लोथ की प्रोडक्शन में रिसोर्सिस यूज हो रहे हैं जो लेबर यूज हो रही है आप उसको कहाँ पर ले जाएंगे वीट की प्रोडक्शन के अंदर बिकॉज वी हैव एज्यूम्ड दैट दैट लेबर इज मोबाइल विद इन अ कंट्री बिटवीन टू कॉमोडिटीज आप लेबर जो है वो मोबाइल है फ्राम कैन गो फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉम्योडिटी और इसको आप इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी तरीके से अगर हम यूएस की बजाय यूके को स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ भी क्या है वन बीट इज़ इक्वल टू टू क्लोथ इक्वल मैं इस वजह से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि आपके पास लेबर का आर जस्ट वन है तो वन लेबर आर के लिए आप वन व्हीट की प्रोडक्शन ले सकते हैं या टू क्लोथ की प्रोडक्शन ले सकते हैं वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन टर्म्स ऑफ वीट वन वीट इज इक्वल टू टू ओवर वन दैट इज टू तो अब आपके पास हम ये कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है यूके को जो फेस करनी पड़ रही है वो टू क्लोथ के यूनिट छोड़ने पड़ेंगे टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वीट दैट इज सिंपल अब इस थेरी के अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन होगी कैसे बड़ा सिंपल है यहाँ पे ये देखा जाएगा कि आपके पास ऑपरचुनिटी कॉस्ट किसकी कम है ऑपरचुनिटी कॉस्ट इन यूएसए वन वीट इज इक्वल टू टू ओवर थ्री यूनिट ऑफ क्लोथ या जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स सेवन यूनिट ऑफ क्लोथ्स और वन वीट इज इक्वल टू टू क्लोथ तो यहां पे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वीट की वो यूएसए के अंदर कम है क्योंकि टू बाई थ्री जो है इज लेस देन टू टू बाई थ्री इज लेस देन टू तो इस केस के अंदर जो यूएसए है वो वीट की प्रोडक्शन की तरफ जाएगा वाइस वर्सा इसी तरीके से यूके की भी बात की जा सकती है कि यूके किसकी प्रोडक्शन की तरफ जाएगा सिंपली इसी को अगर हम उल्ट फॉर्म में देखना शुरू कर दें तो आपको नज़र आ जाएगा कि जो यूके है वो किस साइड पे जाएगा क्लोथ की प्रोडक्शन पे जाएगा अभी तक जो बात की है हमने वो इन टर्म्स ऑफ वीट की बात की है अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्लोथ की बात करेंगे तो वहाँ पे ये रियलाइजेशन होगी कि आपके पास जो यू के है वो क्लोथ की प्रोडक्शन में चला जाएगा क्विकली मैं इसको आ, कर देता हूँ जैसे हमने बात की थी सिक्स वीट इज इक्वल टू फोर क्लोथ तो अब मैं सिर्फ क्या करना चाह रहा हूं यूएसए केस के अंदर क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना चाह रहा हूं तो क्लोथ को मैं जस्ट वन सी इज इक्वल टू यहां पे थोड़ा सा वन सी इज इक्वल टू सिक्स ओवर पोर यूनिट ऑफ वीट या इसको आप सिंपली कहा जा सकता है थ्री बाई टू ऑफ वीट वाइल अगर आप यूके की बात करें तो यूके के अंदर क्या होगा वन वीट इज इक्वल टू टू क्लोथ वन क्लोथ इज इक्वल टू वन ओवर टू यूनिट ऑफ वीट इसको सॉल्व करें तो देट वुड बी थ्री ओवर टू तो आप ये सिंपली कह सकते हैं कि यूएसए के अंदर जो वन क्लोथ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज थ्री बाय टू जबकि यूके के अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्लोथ की दैट इज वन बाई टू ऑफ वीट अब यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हैं थ्री बाय टू आप या कह सकते हैं वन बाय टू इज लेस देन थ्री बाई टू क्योंकि ये यूएसए के अंदर थ्री बाई टू आ गई थी और यूके के अंदर वन बाई टू आई थी तो इस केस के अंदर यूके वुड गो फॉर द क्लोथ दैट इज हाउ ट्रेड विल हैपन बिटवीन टू कंट्रीज है यूएसए विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड यूके विल स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ ये एक कंपेट एडवांटेज थ्योरी को हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर साथ जिसको हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थेरी का नाम दिया इसके साथ एक्सप्लेन किया किया है अभी हम लोगों ने आज और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इतना ही